हेलो दोस्तों, आयुर्वेदा ब्यूटी विद नेहा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप ओवरनाइट नेचुरल कर्ल्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने लिया है एलोवेरा जेल, आप चाहें तो केवल पानी से भी इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने एलोवेरा जेल में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। एलोवेरा जेल और पानी यूज़ करने से होगा ये कि आपके जो कर्ल हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, यानी काफ़ी देर के लिए बन जाएंगे, यानी हो सकता है पूरे एक दिन भी अच्छे से चलें। लेकिन बालों को गीले करते टाइम आपको जो एक बात का ध्यान रखना है वो है कि आप बालों को कम से कम 30% गीला करें। आप चाहें तो वाटर स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। बालों को गीला करने के लिए आपको इन पर अच्छे से स्प्रे कर लेना है, या फिर पानी से आप इनको अच्छे से स्प्रे कर लें, या थोड़ा एलोवेरा जेल आप अच्छे से लगाएं। अदरवाइज आपके जो कर्ल हैं वो ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जैसे दो छोटी गोते हैं उस टाइम बालों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे डिवाइड किया है। उसके बाद एक साइड के बालों को मैंने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और फिर केवल इन दोनों बालों को एक दूसरे में मैंने ट्विस्ट कर दिया है। जैसे आप रस्सी को ट्विस्ट करते हैं उसी तरह से इनको आपस में मैंने ट्विस्ट कर दिया है घुमा घुमा कर। ट्विस्ट करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि इनको थोड़ा टाइट ट्विस्ट करें। जब एंड आ जाए तो इसको भी आप छोड़े नहीं, क्योंकि बाल बाद में बहुत गंदे लगेंगे। आप इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक रबर बैंड से अच्छे से सिक्योर कर लें। तो ये देखिए, मैंने इनको ऊपर की साइड फोल्ड कर दिया है एंड को, और एक रबर बैंड से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। तो ये हमारे सारे ट्विस्ट बाल रेडी हो गए हैं। तो नीचे के बालों को ट्विस्ट करने से पहले आप अपने आगे की जो बाल कटे हुए हैं उनको भी यदि थोड़ा सा कर्ल कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे और बहुत नेचुरल लगेंगे। तो मैंने आगे के भी दो पार्ट में बालों को डिवाइड किया है, यानी दो लटें ले ली हैं यहाँ पर, और इनको भी आपस में इसी तरह से ट्विस्ट कर लिया है, और इसको भी एंड में मैं एक रबर बैंड से सिक्योर कर दूंगी। ट्विस्ट करते टाइम जो मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ा टाइटली आप ट्विस्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, तो ये दोनों ही बाल हमारे रेडी हो गए हैं। यदि आप चाहें तो इसी तरह से भी सो सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने बालों को ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और पैक कर लीजिए, तो आपको सोने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और यदि आप दो चोटियों के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप दो चोटियों के साथ भी सो सकते हैं। तो अब मैं रेडी हूँ सोने के लिए। अब मैं आपको सुबह उठकर दिखाऊंगी कि इसका कैसा रिजल्ट आया है। तो देखिए, सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग, और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक भी कट नहीं लिया है, इसीलिए बिना एडिट किए हुए मैं आपको सीधे सीधे खोलकर दिखा रही हूँ कि ये कैसे कर्ल लग रहे हैं। ये एकदम नेचुरल लगेंगे और सारे बालों में बहुत ही आसानी से आप कर्ल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने एक छोटी सी चोटी और की थी, इसको भी हम खोल देते हैं। अभी जब हम इसमें कॉम करेंगे तो आप देखेंगे कि बालों में अच्छा वॉल्यूम भी क्रिएट हो गया है, और ये काफ़ी सुंदर से लग रहे हैं। ये इस टाइम कैमरे में क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको कैमरा नीचे से रखकर दिखाती हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा दूर से दिखें, लेकिन आपको नज़र आएंगे कि कितने अच्छे कर्ल तैयार हो गए हमारे।
और इस तरह के कर्ल आप भी कभी भी कहीं भी इजीली तैयार कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मैंने आपको पहले भी कई बार और भी कर्ल बहुत ही इजीली बिना हीट के, बिना जेल के, बिना मशीन के बनाना बताया है, और भी ज़्यादा कर्ली बाल चाहिए आपको तो वो भी मैंने आपको बताए हैं, और झटपट कर्ल चाहिए तो वो भी बताएं, आप उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं यदि आपने नहीं देखे। और लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।